Think High Consultants. We are registered education and migration consultants, offer following services: student visas, admissions, change of course or provider, skilled migration visas, temporary activity visas, employer-sponsored visas, partner visas, parent visas, health cover for all types of visas, visitor tourist visas, business visas, NATI CCL preparation classes, professional year programs, IELTS and PT classes, coaching programs for new education and migration agents, and many more. Contact Think Higher Consultants. Provide personalized and on-spot services, leads to permanent visa pathways and Australian citizenship. Facebook/Think Higher Consultants. Twitter/Think Higher House. Instagram/Think Higher Consultants. मोहम्मद, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है, खुश है? मुझे पता लगता है कि आपके मैसेजेस के थ्रू कि आप बहुत खुश हैं और आप हमें दुआएं भी दे रहे हैं कि आप इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी काविश जो है छोटी सी कोशिश है PWADCL के प्लेटफॉर्म से ऑस्ट्रेलिया समेत पूरी दुनिया भर के लोगों के लिए है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रही है थोड़ी तो कम हो गई, लेकिन अल्लाह करे, हमारी दुआ है कि कोरोना की और कोविड की जो सिचुएशन है बिल्कुल ख़त्म हो जाए, हम उसी तरह जो पहले की तरह जिस वक्त दिल चाहे अपने घरों से निकले, शॉपिंग करें, गैदरिंग करें, शादी ब्याह में जाए और भी पिकनिक पे जाएं, हमारी ये दुआ है दिल से। अल्लाह ताला हमारे पूरी दुनिया के हालात को बहुत अच्छा कर दे, इंशाल्लाह ताला हालात जो हैं तो बहुत अच्छे हो भी जाएंगे। आपको हमारे गेस्ट बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन मैंने अभी जो बात की कोरोना कोविड, तो आपने बहुत सारी प्रोडक्ट जो है मार्केट से ली भी होंगी, घर से भी बहुत सारी चीज़ें ली होंगी, डिफरेंट चैनल्स पे भी आपने बहुत सारी रेमिडीज को ट्राई किया होगा, अपने इर्द गिर्द देखा होगा कि इस दौरान लोगों ने जो है बहुत ही अपने बिजनेस को चमकाना शुरू कर दिया। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या जो नहीं भी हैं वो भी बिजनेसमैन बन गए हैं, उन्होंने अपने प्रोडक्ट को निकालना शुरू कर दिया, महंगी महंगी प्रोडक्ट। तो ये एक दुख की चीज़ भी थी कि आप इस सिचुएशन में भी आप अपनी दुकान को चमका रहे हैं, आप इतनी महंगी चीज़ें बेच रहे हैं कि लोगों के कोई इसको अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैं एक ऐसी शख्सियत को जानती हूँ जो बहुत पहले से काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट उनके अगर हेल्थ के हवाले से बात किया जाए तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, अगर ब्यूटी के हवाले से बात किया जाए तो बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को जो स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो इन्होंने कोविड की वजह से प्रोडक्ट जो भी निकाले वो भी आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छे। लेकिन जब मैंने उनका जायज़ा लिया, उनको देखा, मैं तो बहुत पुराना जानती हूँ, प्रोडक्ट की रेंज बहुत सारी, क्वालिटी बेस्ट, लेकिन जब प्राइस की बात की जाए कि जो आम लोगों तक पहुँचाने की बात की जाए, प्राइस बिल्कुल रिजनेबल। तो मुझे एक वो होता था कि यार इतनी अच्छी चीज़ और प्राइस देखो तो इतनी कम कि हर बंदा किसी भी मुल्क में रहता हो, कहीं भी रहता हो, वो अफोर्ड कर सकता है। तो मैंने ये देखा और लोगों की से सुना भी कि आप बिजनेस करो लेकिन नेकी के साथ, बिजनेस करो लेकिन हमदर्दी के साथ। ऐसे लोग बहुत कम दुनिया में होते हैं, बहुत कम, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं होते, होते हैं लेकिन कम होते हैं। मैं आज आपको ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहूँगी, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, हर की दुनिया में मैं उनको किंग कहती हूँ, क्योंकि मैं किसी भी हर्ट के बारे में बात करती हूँ, मैं एक हर्बलिस्ट बन रही हूँ, लेकिन मैं जब किसी हर्ट के बारे में बात करती हूँ तो वो उसकी पूरी डिटेल्स मुझे बता देती हूँ, वो कहाँ से आई, कहाँ उसने ग्रो किया, किस तरीके से होती होती हमारे पास आई या कहाँ कहाँ गई। मुझे इतना अच्छा लगता है ये सब सुन के, जब आप उनसे बातें सुनेंगे और वो इतने डाउन टू अर्थ हैं तो आपको इतने अच्छे लगेंगे, जब आप सुनेंगे कि हम आज इंटरव्यू कौन सी शख्सियत के साथ करने वाले हैं तो आप कहेंगे ग्रेट, और आप हमें दुआएं देंगे कि आपकी गेस्ट बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, उनका इंट्रोडक्शन करवाऊँगी। मेरे साथ हिमानी हर्बल, हिमानी ब्यूटी प्रोडक्ट और WB by Himani के ऑनर, इनके बानी, इनके फाउंडर मुस्तफ़ा हिमानी मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया।
नहीं, इट्स अ प्लेजर एंड इट्स एन ऑनर के आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, इट्स एन ऑनर फॉर मी। बहुत शुक्रिया। आपसे तो बहुत सारी बातें वक्त कम, क्योंकि आपसे अगर मैं लगातार एक महीना भी बात करती रहूं हर के अबाउट तो मेरे लिए कम क्योंकि मैं आपसे डिस्कशन जब करती हूँ इतनी डिटेल्स एक होती है कि सरदर्द कर दे, एक डिटेल्स होती है सर में दिल में जगह करना, तो आपकी जो डिटेल्स होती है वो दिल में और सर में जगह करके आप भूल नहीं सकते उसको। तो माशाल्लाह एक अंदाज बयां गुफ्तगू समझाने का तरीका आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा है। आज ऑस्ट्रेलिया समेत जितने लोग आपको सुन रहे होंगे वो इस बात से बिल्कुल अग्री करेंगे कि बिल्कुल सही बात है। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि हिमानी हर्बल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर ब्यूटी केयर, बहुत सारी चीजें आपने पूरी दुनिया के लिए तोहफा, मैं तो तोहफा और नमक कहती हूँ, आपने जो दिया है, कैसे सोच आई, ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या दिमाग में ये चीजें थी कि हमें ये वाला काम करना चाहिए, अपना थोड़ा सा स्टार्ट दें फिर हम आगे चलते हैं। जी देखें, सबसे पहले तो आपके तमाम व्यूअर्स को मैं माहे मुबारक रबी अव्वल की मुबारकबाद पेश करूंगा, क्योंकि ये एक मुबारक महीना है जिसमें हमारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है, तो हमारे हिसाब से इंतहाई बाबरकत महीना है। तो सबसे पहले आप सबको इस महीने की मुबारक। आपके इंट्रो में आपने जो मेरे बारे में कहा एज अ हर्बल, आप यकीन जाने मैं बखुदा आपसे बात करता हूँ, मैं आपसे हल्फिया कहता हूँ कि मैं हर्ब्स को 5 से 10% से ज्यादा नहीं जानता, क्योंकि खुदा की कुदरत इतनी अजीम है कि उसने हर जमीन में कुछ ना कुछ चीजें उसने जो पैदा की जिसके अलग अलग अफादियत है। मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई शख्स कहे कि मैं हर्ब्स को जानता हूँ पूरी तरीके से, तो मेरे ख्याल से वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा शख्स है वो, क्योंकि ना मुमकिन है कि वो खुदा की कुदरत तक पहुंच सके। एज फार एज माई सेल्फ इज कंसर्न, मेरे वालिद साहब का ये बिजनेस था 1949 से। मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट की नवंबर 1984 जब मैं 18 साल का था। मुझे तकरीबन कुछ 36 साल हो गए हर्ब्स के अंदर, एंड बेसिकली वी वर अ ट्रेडर, तो हमें जाहिर है बहुत छोटे पैमाने पे हमारा काम था, और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो कामयाबी अता की। तो 84 से लेकर 2008 तक वी वर अ ट्रेडर, हमें ये पता था कि कौन सी हर्ब दुनिया के किस हिस्से से लेनी है और कौन सी हर्ब जो है दुनिया के किस हिस्से को देनी है। जैसे कुछ चीजों में पाकिस्तान में हर्ब बहुत अच्छी है, कुछ चीजों में लबनान में अच्छी है, कहीं सीरिया में अच्छी है। तो जब मैं, अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि मैं बेसिकली मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैं प्री मेडिकल का स्टूडेंट भी रहा, और मेरे वालिद साहब चाहते थे कि मैं बिजनेस की तरफ आऊं, तो इनिशियली मुझे कुछ थोड़ा सा इंटरेस्ट कम था और मैं कहता था नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, और फिर कुछ ऐसे हालात हुए कि मुझे मेरी पढ़ाई को तर्क करना पड़ा और मैं फिर बिजनेस में आया। जब बिजनेस में आया वालिद साहब ने मुझे थोड़ा सा सिखाया, उन्होंने सब चीज बताई, तो ऑटोमेटिकली वो इंटरेस्ट जनरेट होने लगा, क्योंकि मैं डॉक्टर बनना चाहता था और लिहाजा ये हर्बल भी जो देखा है तो कहीं ना कहीं बेनिफिट थे, तो मुझे इसमें मजा आने लगा। एंड इट विल टेक टाइम, मुझे टाइम लगा एक 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 लेवल पर आते आते। फिर जिस तरीके से दुनिया चेंज होती गई, हमने भी अपने आप को चेंज किया, और जो मेरे वालिद वालदा या मेरे दादी दादा जो हर्ब्स का इस्तेमाल करते थे, वो घरों में जो फक्कियां वगैरह जो बनाई जाती थी, तो मुझ वाली मतलब मेरी और मेरे बाद वाली जो जनरेशन है उसने इन फक्कियों को जो है ना वो अवॉइड करना शुरू किया। देन वी डिसाइडेड के बेटर टू गो वैल्यू एडेड, क्योंकि उस वक्त तक जर्मनी और इंडिया और चाइना ने वैल्यू एडेड हर्ब्स में बहुत काम कर चुके थे, और दुनिया में ये समझा जाता था कि शायद चाइना जर्मनी और इंडिया के अलावा दुनिया में कोई हर्ब्स के अंदर नहीं है, दे आर द वन। और ऐसा नहीं है कि दुनिया में इस वक्त 220 ममालिक है, तो अल्लाह ने 220 किस्म की तो कम से कम जड़ी बूटियां बनाई है, उसके अलावा तो हजारों किस्म की है। तो मुझे वही शौक लगा कि नहीं मैं भी अपने पाकिस्तान को लेकर जाऊंगा और मैं भी पाकिस्तान का नाम बनाऊंगा। और इस तरीके से 2008 में हमने मुकम्मल तरीके से हम वैल्यू एडिट, मतलब हमने 2004 में मैंने ये विजन था मेरा कि नहीं अब दुनिया चेंज हो रही है, वी हैव टू चेंज अवर सेल्फ। तो 2004 से लेकर 7 तक हमने अपने आप को स्लोली एंड ग्रेजुअली चेंज किया,
और 1 जनवरी 2018 में मैंने अपनी पहली ऑटोमेटिक मशीन इंस्टॉल की, दैट वाज फॉर द कलुंजी ऑयल। कलुंजी ऑयल, और ये आज तक बहुत ही फेमस है कलुंजी का जो ऑयल है, और लोगों को बहुत फायदा भी इससे हो रहा है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कोरोना की। बहुत लोगों ने अपनी दुकानें चमका ली कोविड के वाले से, बहुत सारे हर्ब्स, बहुत सारी जड़ी बूटियां सना मक्खी को बहुत ज्यादा बेचने लगे इतने कीमती दामों में, कलुंजी को बेचने लगे कीमती दामों में। लेकिन हमने देखा कि हिमानी प्रोडक्ट की जो भी चीज है वो उसकी जो प्राइस जो है वो ऊपर नहीं गई, वही थी जो पहले थी, बल्कि मैंने कहीं जगह देखा बहुत सस्ती भी हो गई वो चीजें जो आपके हेल्थ के लिए है। तो ये जो भलाई है, एक बिजनेसमैन और भलाई, उसका क्या मेल है वो थोड़ा बताइए। देखिए, दो चीजें हैं इसके अंदर, एक दीनी एक्सपेक्ट को लेते हैं, हम एक दुनियावी एक्सपेक्ट को लेते हैं। दीनी एक्सपेक्ट में आए तो कुरान में अल्लाह सुभान व तआला कहता है कि कौन है जो मुझे कर्जे हसना दे। कर्जे हसना क्या है? पेबल व्हेन एबल। तो क्या अल्लाह सुभान व तआला कहता है कि मुझे कर्जे हसना दे, हाउ पॉसिबल? और अगर हम अल्लाह को कर्ज दे तो क्या अल्लाह पे बैक नहीं करेगा? अल्लाह पे बैक करेगा। और अहदीस में हमने पढ़ा है कि अगर आप किसी से कर्जा लें तो उसे बढ़ा कर दे, तो क्या अल्लाह बढ़ाकर नहीं देगा? मैं आपकी, हमारी एक सोच महदूद है, हम उस सोच तक सोचते हैं, हम उस आगे हम नहीं सोच सकते, मगर अल्लाह तो लामहदूद है, वो अल्लाह कुल शहीन कदीर है, वो तो क्या वो बढ़ाकर नहीं देगा? तो ये जो काम है, ये अल्लाह के साथ डायरेक्ट तिजारत है, हम लोगों के साथ तिजारत नहीं कर रहे, अल्लाह के साथ तिजारत करें। और मैंने अक्सर यूनिवर्सिटी कॉलेज में जहां मैंने अपने स्पीचेस, मैंने हमेशा से कहा है कि जब बिजनेस में क्राइसिस आता है तो लोग जो है ना अपने अखराजात को कम करते हैं। जी, इस वक्त क्राइसिस है, अखराजात कम करने चाहिए, कॉस्ट कटिंग जो हमारी जबान में हम कहते हैं। अच्छा, कॉस्ट कटिंग में पहला काम क्या करते हैं? पहला काम ये करते हैं, जी चैरिटी को काटो, जबकि ये सबसे गलत काम है। चैरिटी आपने बढ़ानी है ताकि वो तिजारत भी आपकी और अल्लाह का मामला रह जाएगा। तो बिजनेस में भी ऐसा ही है कि अगर आप देखें, रिस्क, इज्जत और मौत, ये तीन चीजें अल्लाह के हाथ में। अगर आप ये समझते हैं कि रिस्क देने वाला खुदा है तो फिर आपको उसके ऊपर छोड़ना पड़ेगा, आप अपना काम करें, उसका काम उसे करने दें। तो वही चीजें हमारे जहन में थी। अब आप आ जाइए कोविड की तरफ। तो जब ये पेंडेमिक अनाउंस हुआ तो आपको पता होगा कि हमारे मुल्क में, आई एम वेरी सॉरी टू से, सैनिटाइजर जिस तरीके से पेंडेमिक के दरमियान में शॉर्ट हुए थे, छोटी सी बॉटल जो है वो 800 रुपए में पाकिस्तान में बिकना शुरू हो गई। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि सैनिटाइजर में भी जो है आपको बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि अल्कोहल अगर जिस तरीके से अगर हाथ में लगा तो जिस तरीके से एप्पल जब ड्राई होकर उसकी स्किन खराब होती है, इसी तरह आपकी ये स्किन जो है वो खराब हो जाती है और वो आगे मुस्तकबिल में जाके काफी ज्यादा आपको नुकसान दे सकता है। तो हमें, क्योंकि हमारा हर्बल बैकग्राउंड है, सो वी नो ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स। तो लोगों ने ये किया कि जी पेंडेमिक है, हमने पैसा कमाना है, बस एथेनॉल डाला उसके अंदर, वो जो जेल का बेस डाला और बस जेल बनाकर और मार्केट में दे दिया। ऐसा नहीं है, वी हैव टू टेक केयर। अगर आपने हमारा हिमानी सैनिटाइजर यूज किया हो तो आपने देखा होगा उसकी फील अजीब तरीके, एक वेलवेट टाइप की फील थी, बिकॉज हमने इसके अंदर मॉइस्चराइजर डाला हुआ है। इसमें जो छोटे छोटे आपको बीड्स दिखेंगे, ये हर्बल बीड्स हैं, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ही इम्पोर्ट किए हैं हर्बल बीड्स। ये हर्बल बीड जब आपके स्किन के साथ जब टच करते हैं और आप इसको मसलते हैं, वो ऑटोमेटिकली बर्स्ट होते हैं, बीड्स बर्स्ट होके उसके जो हर्ब्स हैं वो आपके स्किन के अंदर जाते हैं और फिर आपकी स्किन को खराब होने नहीं देते। तो हम यहाँ तक जाकर जो है इसकी बेस में जाकर जो है हम इसको देखते हैं। और फिर जब ये 800 रुपए के अंदर मैं देखा को 60 या 70 ml की बॉटल पाकिस्तान में बिक रही थी, सो दैट टाइम वी डिसाइडेड कि नहीं, हमें इसको ऐसा अवेलेबल करना है कि हर आम आदमी इसको ले सके। मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि मार्केट में अगर 800 का है तुम एक काम करो 600 रुपए का रख दो, तुम 550 का रख दो। बाकायदा हमारी बहस चल रही थी कि नहीं यार और कम लाओ, तो किसी ने कहा 600, मैंने नहीं यार और कम 550। मतलब इन शॉर्ट ये कि एक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि जी देखिए आप 450 से कम नहीं बेच सकते। मुझे उसको बहस की, मैं उससे लड़ा और हमने पहले फिक्स किए 340 रुपए रेट और हमने प्रोडक्शन को स्टार्ट किया। जब प्रोडक्शन स्टार्ट हुई मैंने, और हमारे पास कुछ 11,000 से 12,000 कार्टन के ऑर्डर्स आ चुके थे, मैंने अपनी कॉस्ट देखी, मेरी कॉस्ट और कम है, तो मैंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल किया, मैंने कहा नाउ इट्स नॉट 340, इट विल बी 295। वो मुझे कहते हैं यार आप अजीब आदमी है,
लोग हमें फोन करके कहते हैं कि यार इसके 50 रुपए और बढ़ा दो, 100 बढ़ा दो। आप फोन करके कहते हैं कि नहीं यार इसके 50 रुपए और कम कर दो। मैंने कहा मेरी ख्वाहिश है यह हर घर में जाए। अब ये 295 में हमने रिटेल किया है, देन वी हैव टू गिव द रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद एक जो हक हलाल का जो नफा था वो हमने रखा, और उसमें भी अल्लाह ने जो है हमें बड़ी जो है वो बरकत अता की, और लोगों की हमें मुझे बड़ी दुआएं मिली बखुदा, और वो मेरी मेन कमाई थी जो मुझे लोगों ने दुआएं दी थी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा और जबरदस्त। मतलब बिजनेसमैन को लोग पीछे से कुछ बुरा भला बोल ही रहे होते हैं, लेकिन हिमनी एक ऐसी कंपनी है जो लोग दुआएं देते हैं, इज्जत है, प्यार है। बहुत कम जो बिजनेसमैन है उनके नसीब में अच्छी बातें या फिर दुआएं या प्यार होता है, बहुत कम होता है। जैसे सारी दुनिया जानती है बिजनेसमैन के लोग बुराइयां ही कर रहे होते हैं कि इसने ये कर दिया ये कर दिया, लेकिन हिमानी जहाँ नाम आता है वहाँ एक इज्जत एहतराम मोहब्बत और प्यार का रिश्ता होता है। पाकिस्तान में है ऐसे बहुत सारे ब्रांड, लेकिन कम है, बहुत कम है। दुनिया भर की मैं बात करूंगी कि बहुत कम है, और ये जो है सारा चीजें हैं जो अल्लाह ताला ने नवाजी। जैसे नियत साफ होती है तो आपकी मंजिल आसान होती है, रिस्क में बरकत थोड़ा कमाओ और बरकत ज्यादा, तो ये बहुत अच्छी चीज है आपकी। अच्छा, हम खवातीन जो है वो ब्यूटी के बारे में भी वो होती हैं, कॉन्शियस होती हैं कि भाई हमारी खूबसूरती आ जाए लेकिन हमारी स्किन खराब ना हो। ब्यूटी प्रोडक्ट बहुत सारे मार्केट में आए, पूरी दुकानें भर गई, मार्केट भर गई, गोरा कर दो लेकिन स्किन को जुटा देने वाला गोरा। आप चंद हफ्ते तो गोरा हो जाते हैं, फिर आप कुछ अर्से तक आप काले पड़ जाते हैं, स्किन डैमेज हो जाती है, पैचेस पड़ जाते हैं, बहुत बुरा जैसे झुलसा देने वाली स्किन हो जाती है। लेकिन मैंने हिमानी के प्रोडक्ट मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, मुझे बहुत सूट करती है। मेरे मीडिया के सर्कल के लोग, इवन ये कि निदा यासर ने भी खुद मुझसे डिस्कस किया था, दूसरे लोगों ने भी डिस्कस किया कि मुझे बहुत पसंद आती है क्रीम। गोल्ड क्रीम के बारे में बहुत मशहूर हो चुकी है लोगों में, और भी प्रोडक्ट है लेकिन गोल्ड क्रीम जो है जैसा नाम वैसा काम, जैसे मैं जानती हूँ गोल्ड किसको पसंद नहीं होता, खवातीन को तो बहुत पसंद होता है, इसी तरह से गोल्ड क्रीम जो है खवातीन में बड़ी फेमस हुई है। तो इसके अंदर कौन सी ऐसी छुपी हुई चीजें हैं जो खवातीन को नुकसान दिए बगैर बहुत हसीन प्यारा और फ्लॉलेस बनाता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बता दूं कि अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम है अल मुसव्विरो, तो ऐसा मुमकिन नहीं है अल्लाह ने कोई चीज खल्क की हो और वो बदसूरत हो, मुमकिन नहीं है। वक्त के साथ साथ हमारी ही कोताहियां होती है जिसकी वजह से हमारी स्किन मांद पड़ जाती है, या वो जुरियां सी, या व्हाटएवर इट इज, यू नो, ड्यू टू स्ट्रेस एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो मैं हमेशा से हर प्रोग्राम में ये कहता हूं कि मेरी कोई क्रीम आपको गोरा नहीं करेगी, मैं हल्फिया कहता हूं, कोई क्रीम आपको गोरा नहीं करेगी। हाँ, मेरी क्रीम आपको खूबसूरत बनाएगी, जो अल्लाह ने आपको खूबसूरती अता की है मेरी क्रीम आपको खूबसूरत बनाएगी। जैसा आपने बताया कि वो जो गोरे हो जाते हैं फिर वो काले पड़ जाते हैं, देखिए ये लोग मरकरी और हाइड्रोकोनिन का इस्तेमाल करें, मरकरी एज पर द लॉ 3 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आप यकीन माने पाकिस्तान की और दीगर ममालिक की कुछ मशहूर क्रीमें जो हमने लैब टेस्ट कराए 14,000 ppm उसके अंदर मरकरी निकला है। द एक्सेप्टेबल लेवल इज 3 ppm और 14,000 ppm निकला है, हाइड्रोकोनिन उसके अंदर से निकला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये खुदकुशी है, ये जो यूज कर रहा है वो खुदकुशी कर रहा है, और जो यूज करवा रहा है वो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा जुर्म कर रहा है। और उसके बाद जो है आपके स्किन के कैंसर्स हो रहे हैं वगैरह वगैरह। जिस तरह से आपने हमारी क्रीम का कहा, अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह हमने कोई चीज में कहीं ना मरकरी हाइड्रोकोनिन नहीं डाला। हम हमेशा से कहते हैं कि हमारे हर्बल क्रीम है। अच्छा, आप कैसे कहते हैं हर्बल क्रीम? देखिए, बेस तो वही है, स्टेरिक है, वाइट ऑयल वगैरह है, ये तो सारी केमिकल फैमिली से जाता है, मगर लोग केमिकल डालते हैं एज ए एक्टिव, क्योंकि आपके स्किन पर जो काम करता है वो एक्टिव काम करता है, वो लोग केमिकल डालते हैं, हम एक्टिव में हर्बल्स को डालते हैं। दैट्स व्हाई वी सेड आवर क्रीम्स आर हर्बल। अब आप मिसाल ले लें हमारी गोल्ड क्रीम की, जिसकी माशाल्लाह आपने तारीफ की, इसके अंदर 24-karat गोल्ड फ्लेक्स डला हुआ है। अच्छा, मुझे पता होता तो मेरे ऊपर कमरे में बाकायदा सैंपल्स हैं, मैं आपको दिखा भी सकता था। तो 24-karat गोल्ड जो है वो हम इसके अंदर डालते हैं। इसके साथ ही साथ हमने इसके अंदर जो है वो रोजिप ऑयल डाला है जो आपके पोर को मिनिमाइज करता है। फिर इसके अंदर जिरेनियम ऑयल है, जिरेनियम ऑयल आपको अपलिफ्ट करता है। फिर प्योर ऑरेंज ऑयल है। तो इस टाइप के सारे हर्बल ऑयल जो है मैंने इसके अंदर डाले हैं, जिसकी कोई ना कोई जो है खासियत है, और जो जो आपके जो स्किन को जो एकदम ग्लो देता है वो गम लियारिया है। गम लियारिया है ये जो आपकी स्किन को एकदम जो ग्लो करता है। इसके अलावा लिकराइस एक्सट्रैक्ट इसके अंदर हमने ऐड किया हुआ है।
ये वो तमाम अज्जा है जो आपके स्किन पर काम करती है और आपके स्किन को भी ग्लो करता है, पोर को मिनिमाइज करता है और दीगर ब्लैक हेड्स वगैरह को दूर करता है और एट द एंड ऑफ द डे वो आपको और जो है वो खूबसूरत बनाता है। तो ये हमारा जो है हर्बल का मेन क्रीम है इसके अंदर। बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आप अभी मुझे कह रहे थे अपने इंट्रो में कि आपको हर्ब के बारे में पता नहीं है किसी चीज, वाकई आप इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, इतना अच्छा बयान करते हैं, एक एक चीज को खोल के बताते हैं कि इस चीज में, इस क्रीम में हमने कौन कौन सी चीज ऐड की है। जब आपको पता हो तो हमें वो चीज यूज करने में मजा आता है और हम एक लगन के साथ उसको यूज करते हैं कि हमारी स्किन पे नुकसान बिल्कुल नहीं देती। इसके सबूत मैं खुद बैठी हुई हूँ, मैं बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रही हूँ, कोई नुकसान नहीं है, मजीद स्किन अच्छी ही होती जाती है। अच्छा, खवातीन की बल्कि अब तो मर्द हजरात भी स्लिम होना बड़ा चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि हम सब कुछ खाएं और बहुत पतले हो जाएं। हमारा मसला भी तो यही होता है, हम निहारी पाए या फिर हम कोई भी ऐसे जिसमें फैट हो, चीज से दूर नहीं रहते, लेकिन हम चाहते हैं कि अब पतला हो जाए। तो इस सिचुएशन में लोगों के दिमाग को पढ़ते हुए आपने अल्ट्रा स्लिम टी जो है, टी बैग, वो इंट्रोड्यूस करवाया। तो आपको क्या पता था कि लोग ये चाहते हैं कि हम सब रोगन चीजें खाकर भी पतले हो जाए? आपने लोगों के दिमागों को पढ़ लिया था? देखें, इसके अंदर दो चीजें हैं। नंबर वन तो ये कि मैंने स्लिमिंग की जितनी मार्केट में देखी उसके अंदर केमिकल का इस्तेमाल है। केमिकल से आप इमीडिएटली जो है आप रिड्यूस हो जाते हैं, मगर अक्सर आपने देखा होगा आपके आंखों के नीचे हल्के पड़ जाते हैं, जूरी ये जो स्किन जो है एकदम ढीली सी हो जाती है, ये सारे जो है ना वो केमिकल्स के यूज के नुकसान हैं। काफी स्टडी करने के बाद, काफी मेहनत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम एक नतीजे पर पहुंचे और हमने एक फॉर्मुलेट किया हमारा अल्ट्रा स्लिम टी। हमारी तीन किस्म की स्लिम टीज हैं, एक नॉर्मल स्लिम टी है, फिर एक अल्ट्रा स्लिम टी है, फिर उसके बाद हमने एक पूरा प्रोग्राम डाइट प्लान बनाया, इसको हम कहते हैं परफेक्ट डाइट। इसके तीन स्टेजेस है, स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री। हमारी हर्बल टी कैसे काम कर, सबसे पहले मैंने इंस्टेड ऑफ केमिकल जो मैंने जो चीज यूज की है उसके अंदर गार्सिनिया कंबोडिया एक हर्ब्स आती है हमारी, ये देखने में जो है ना वो देखने में जो है बिल्कुल इमली की तरह होती है, मगर ये जो है वो क्या कहते हैं, इसका नाम है गार्सिनिया कंबोडिया, गुजराती में इसे कोकम कहते हैं। अब मुझे उर्दू का एक्चुअल कोकम, और ये आप हमारे जो छोले वगैरह के अंदर जो है ना, एक जमाने में जब मैं स्कूल में 25-30 साल पहले पढ़ता था तो उस जमाने में इसको बाकायदा यूज किया जाता। इसका जो एक्सट्रैक्ट है गार्सिनिया कंबोडिया, इसका जो एक्सट्रैक्ट है वो इज द बेस्ट स्लिमिंग इंग्रेडिएंट। फिर इसको इस तरीके से हमने फॉर्मुलेट किया है कि सबसे पहले वो एक लेग्जेटिव का काम करेगा पहला दिन, यानी कि जो आपने खाया वो आपके स्टमक को फ्लश कर देगा, लेग्जेटिव का काम करेगा। सेकेंडली ये आपके एपेटाइट को कंट्रोल करेगा, आपके भूख को ये मारेगा। तीसरा ये फैट को बर्न करेगा। अच्छा, अब ये सब चीजें जब हो रही होगी तो आप कमजोरी फील कर रहे होंगे, तो इसके अंदर हमने टॉनिक डाला है, जिनसिंग रूट को डाला है एज ए टॉनिक, ताकि वो आपको कमजोर ना करने दे। ये जब चारों चीजें मिलकर काम करेगी तो ऑटोमेटिकली आपके फैट बर्न हुआ, आपका एपेटाइट को रिड्यूस किया, आपको उसने एनर्जी भी दी, और फिर जो है वो आपके वेट को जो है वो रिड्यूस करेगा। हमने जो परफेक्ट डाइट बनाया है, जो पूरा प्लान है, उसके अंदर मॉर्निंग टी है, आफ्टरनून टी है और इवनिंग टी है। मॉर्निंग टी में हमने क्या किया, इसके अंदर ऐसी हर्ब्स डाली है जो आपको जो है तवानाई देगा, पूरे दिन आप चाको चौबंद रहेंगे और उसके साथ साथ आपके एपिटाइट को जो है वो फ्रेश, मिंट लीव वगैरह उसके अंदर, पुदीना वगैरह हमने यूज किया है ताकि वो आपको फ्रेशनेस देगा। आफ्टरनून टी के अंदर हमने कैमोमाइल का इसके अंदर यूज किया हुआ है। कैमोमाइल जो है वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है इसके अंदर। इसके अलावा हमने थाइम लीव्स को यूज किया है उसके अंदर, वो भी डाइजेशन के लिए, गैस्ट्रिक वगैरह के प्रॉब्लम को वो खत्म करती है। जो रात की चाय है वो उसके अंदर हमने गार्सिनिया डाला है, थोड़ी सी सना मक्की हमने अंदर से डाली ताकि वो लेक्सिटिव हो, गार्सिनिया जो आपके फैट को बर्न करे, क्योंकि रात को हमारा मेटाबॉलिज्म जो काम कर रहा होता है। फिर उसके साथ साथ मैंने लेवेंडर और लेमन वर्बेन को डाला है। लेवेंडर इज अ रिलैक्सिंग टी और लेमन वर्बेन जो है आपके सीने के कंजेशन वगैरह अगर कोई है वो उसको साफ करके आपको सुकून की नींद सुलाएगा। और इस तरीके से पूरा हमने फॉर्मुलेट किया और हम गारंटी देते हैं कि जिस तरीके से हमने आपको अंदर चार्ट डाला हुआ, अगर आपने उस तरीके से इसको यूज किया तो
तो विद इन 14 डेज 5 किलो आपका रिड्यूस होगा, दैट्स विद गारंटी। नहीं बहुत इसके तो ये इस तरीके से हमने जो ये सारी स्कीम बनाया तो इस सॉरी हेलो मैंने कहा कि लोगों ने बहुत अच्छे रिव्यूज दिए हैं, उसे यूज किया है और ये जो अल्ट्रा स्लिम टी है वो बहुत जबरदस्त है। इसके साथ मैं ऐड करूंगी, मैं सारी चीजें मेरे पास भी मौजूद है, मैं इसको यूज भी करती हूँ, ग्रीन एप्पल हर्बल टी वो भी इंट्रोड्यूस हुई है, तो उसके बारे में ये बड़ा, क्योंकि मैंने किसी ब्रांड का ग्रीन एप्पल हर्बल टी मैंने नहीं सुना या मैंने यूज नहीं किया है। ग्रीन एप्पल आपको एक आपके आपको बूस्टिंग देता है, जस्ट आपको वेट रिड्यूस भी करता है, ग्रीन एप्पल आपके लिए है भी अच्छा और आपके स्टमक को भी बिल्कुल परफेक्ट रखता है। तो ये सारी चीजें ग्रीन एप्पल और अल्ट्रा स्लिम टी, उसमें क्या फर्क है दोनों में, अगर हम देखिए साथ ले सकते हैं वाले सारे या इनको अलग अलग टाइमिंग में क्या लेना? नहीं, अगर कोई नॉर्मल अपना वो नॉर्मली शख्स चाहता है कि मेरा वजन ना बढ़े और वो अगर थोड़ा सा हैवी वेट है, थोड़ा सा अपने आप को कम करना चाहता है, तो फिर वो हमारा जो नॉर्मल स्लिमिंग टी या ग्रीन एप्पल हर्बल टी है, स्लिमिंग टी है, उसको यूज करे 3 में 3 बार 4 बार। थोड़ा सा लाइटर वर्जन है, थोड़ा सा हैवी वेट है जो चाहता है कि नहीं मैं अपने ज्यादा वजन रिड्यूस करूँ, वो अल्ट्रा स्लिम पर आ जाए। उसके अंदर हमने गार्सिनिया कम्बोडिया ऐड किया हुआ है और कोई खुदा ना खास्ता कुछ ज्यादा अगर वजन है उसका, ज्यादा उसके साथ प्रॉब्लम है, देन ही हैज टू गेट टू परफेक्ट डाइट, ताकि वो पूरा प्लान जो प्रोग्राम 14 दिन का है, जैसे अगर हम किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं और जिस तरीके से पूरा प्लान होता है, इस तरीके से वो प्लान है परफेक्ट डाइट का। परफेक्ट डाइट 14+14 तीन स्टेजेस अगर आप कर लेते हैं, उसके बाद वो चाहे तो फिर अल्ट्रा स्लिम पर आए, अल्ट्रा स्लिम पे फिर जो है ग्रीन हर्बल टी पर आ जाए, ऐसे करते करते अपने आपको रिड्यूस करते, अगर वो फिर आ जाएगा तो फिर उसको कोई जो है वो प्रॉब्लम किसी किस्म का भी नहीं होगा। ओके जबरदस्त। अच्छा ये जो ग्रीन एप्पल टी और जो अल्ट्रा स्लिम टी है उसको दिन में एक दफा लेना है या दो दफा लेना है, क्योंकि ग्रीन टी लोग बहुत ज्यादा होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट है जितनी पियो उतना वेट रिड्यूस होगा, उसका क्या होगा, पोर्शन क्या होंगे या क्वांटिटी क्या होगी? देखिए अगर आप अल्ट्रा स्लिम ले रहे हैं, आप पहले शुरू में 3 दिन में 3 बार पिए, बाद में दिन में 2 बार आ जाइएगा, मगर जो एप्पल है वो दिन में 3 बार आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। परफेक्ट डाइट तो वैसे ही प्लान है, उसके अलग अलग फेसेस हैं, तो आपको 3 बार लेना ही लेना है उसको। अच्छा मैं बात करते करते मैंने अपने बेटे से रिक्वेस्ट की, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा आपके व्यूअर्स को कि जो आपने गोल्ड सीरीज की आपने बात की, 24 कैरेट गोल्ड की जो क्रीम सेरम लोशन है, ये वो गोल्ड फ्लेक्स हैं, ये वो गोल्ड फ्लेक्स हैं 24 कैरेट के जो हम इसके अंदर बाकायदा डाल रहे हैं इसके अंदर, तो ये वो चीजें हैं और ये बाकायदा हम लोग जो है वो इंपोर्ट करते हैं। और इस वक्त मैं बता दूं कि ये बॉक्स जो मेरे हाथ में है इस वक्त, इसकी कीमत तकरीबन 3,500 यूरो की है। 3,500 यूरो इस बॉक्स की, और ये हम अपने क्रीम्स वगैरह में सब में डालते हैं। और अब जो फ्यूचर में जो अब हम ला रहे हैं इंशाल्लाह वेरी सून, दैट विल बी अवर प्लैटिनम रेंज, ये प्लैटिनम के फ्लेक्स है। तो इंशाल्लाह वेरी सून, इस पेंडेमिक की वजह से मैं खुद कोविड का शिकार हुआ था, शायद आप लोगों को इल्म होगा, तो कुछ काफी अर्सा बीमार रहा, तो उसमें सारी चीजें डिले हुई, तो ये प्लैटिनम फ्लेक्स है जो इंशाल्लाह हमारा मुस्तकबिल का जो है वो प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह। ये महंगी तो नहीं देंगे ना आप, इसके तो प्राइस ही बढ़ाएंगे। अच्छा मैं आपके एक सवाल का और जवाब दूं, जो आपने आपके इंट्रो में भी कहा था कि हमारे प्राइसेस रीजनेबल है, तो मुझे अक्सर लोगों ने दो जगह हमें प्रॉब्लम आई, एक लोग ये कहते हैं यार इतनी सस्ती है तो लामाला ही बड़ी हल्की क्वालिटी होगी, अनलेस एंड जो लोग यूज नहीं कर रहे थे वो यही समझे कि यार पैकेजिंग इतनी खूबसूरत है, जैसे ये हमारी गोल्ड क्रीम की पैकेजिंग है, इसमें हमारा गोल्ड क्रीम है, तो इस टाइप की जो अच्छी पैकेजिंग है, तो कहते हैं इतना सस्ता ही कैसे दे सकते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने कहा था कि मेरे वालिद साहब का 1949 से और मैं खुद 84 से, और मैंने ये भी आपको बताया था कि बेसिकली वी वर अ ट्रेडर, तो चूंकि हम इन हर्बल के ट्रेडर थे तो वी नो कि हमें कौन सी हर्ब कहाँ से लेनी है, कौन सी हर्ब दुनिया के किस हिस्से में पैदा होती है और कौन सी हर्ब कब पैदा होती है, कब और कहाँ से कब पैदा होती है और कहाँ से लेना है, हमें पता है कि क्रॉप कब है, तो हम एक बहुत बड़ी क्वांटिटी उसकी खरीदते हैं, चूंकि क्वांटिटी हम खरीदते हैं तो लिहाजा हमारी कॉस्टिंग बहुत कम होती है,
तो उसका कुछ हिस्सा जो ट्रेडिंग है वो ट्रेडिंग में चला जाता है, कुछ हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है। ये हमारा मेन है हमारे सस्ते होने का, जो हम रीजनेबल प्राइस पे, उसकी यही वजह है कि हमारा प्रोक्योरमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल जो है इट्स फ्रॉम द राइट सोर्स एंड एट द राइट टाइम है। मिसाल देता हूँ आपको मैं, क्या जैसे आप हमारी टी के अंदर जो हमारी ये स्लिमिंग टी के अंदर जो सेज है, सेज एक किस्म का जंगली पुदीना कहलाता है, वो दुनिया में सबसे अच्छा लबनान में पैदा होता है तो हम वो लबनान से लेते हैं। कैमोमिल हमारे पाकिस्तान में भी है मगर जो दुनिया में सबसे अच्छा है वो मिस्र के अंदर है, क्योंकि मिस्र का कैमोमिल मीठा है, पाकिस्तान का कैमोमिल कड़वा है, दोनों की तासीर में जमीन आसमान का फर्क है। तो कैमोमिल जो है वो मिस्र से आता है। सूखे लींबू, ड्राई लेमन हर जगह अवेलेबल है, हमारे यहाँ भी है। दुनिया का सबसे अच्छा लेमन सोमालिया का है, वो सोमालिया से आता है। थाइम टर्की से आता है, लेवेंडर मोरक्को से आता है। ये सारी चीजें अभी मैं लिस्ट बनाऊंगा तो आपको प्रोग्राम ये लिस्ट बताते बताते खत्म हो जाएगा। तो हिबिस्कस, हिबिस्कस आपको पता है ब्लड प्रेशर का सबसे बेहतरीन इलाज जो है वो हिबिस्कस है, जिसको उर्दू में अरबी में करकदे कहते हैं। करकदे और हिबिस्कस जो लीव्स हैं वो नाइजीरिया का, हालांकि सूडान में भी है, इथोपिया में भी है, मगर दुनिया का सबसे अच्छा जो नाइजीरिया के अंदर है। तो हमारा जो हिबिस्कस है वो नाइजीरिया से आता है। तो इस तरीके से जो है ना हमारी प्रोक्योरमेंट जो है ना वो राइट सोर्स पे चल रही होती है। जबरदस्त, बहुत आपको माशाल्लाह इतनी नॉलेज है। और दूसरी बार आपने जो प्राइस का बताया, हिमानी मेरे इर्द गिर्द जितने लोग हैं या मैं कहीं जाती हूँ हर घर में मौजूद है, हर घर में। और ये एक अच्छी चीज होती है कि आप बहुत महंगी चीज आप बना दें, मार्केट में डाल दें और कुछ लोग यूज करें कुछ लोग यूज ना करें, तो वो एक समझदारी नहीं है मेरे ख्याल से, वो बेवकूफी है। कि वो आपको कोई भी प्रोडक्ट चंद लोगों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लोगों को तक होना चाहिए। तो ये एक समझदारी भी है कि आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रखा ताकि दुनिया के हर घर में ये प्रोडक्ट होना चाहिए। जैसे मैं अपने जिनको जानती हूँ, मैं मीडिया में लोगों को जानती हूँ, मैं बाहर मिलती हूँ, तो सब लोग, अगर मैं किसी के भी ओनली मैं सीरम की बात करूँ कि क्योंकि अभी सर्दियां पाकिस्तान में है, ड्राई बाल हो रहे हैं, तो मैं कहती हूँ कि यार ये सीरम ये वाला हिमानी के लिए, हाँ हमारे पास हम यूज करते हैं, लोग ये बात करते हैं, लोग ये नहीं कहते कि कहाँ मिलेगा कहाँ से नहीं मिलेगा, लोग ये सवाल नहीं करते, लोग कहते हैं रियली हम यूज करते हैं, बहुत अच्छा है। क्योंकि हमारे यहाँ वेदर आपको पता है, पाकिस्तान आए हुए हैं तो वेदर कितना खराब हुआ हुआ है, उड़े उड़े बाल, फटे फटे बाल, बालों का बड़ा इश्यू है, स्किन का बड़ा इश्यू है। तो एक आपकी जो वो क्रीम है मैंने यूज की थी, मैं इसका नाम थोड़ा भूल चुकी हूँ, मटकी के जार में है, वो बड़ी अच्छी पैकिंग है, एग्जैक्टली वो इतनी जबरदस्त उसकी वो मटकी के जार की थी। मुझे इतनी नॉलेज नहीं क्योंकि मैं अभी स्टूडेंट हूँ, वो इसकी क्या कोई साइंस होगी जो आपने वो पैकिंग रखी, उसकी कोई साइंस है, वो क्यों मटकी के जार में रखी है वो बताया जी इसका ये बात बिल्कुल सही है। देखिए जब हम जाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि इस वक्त हिमानी दुनिया के 70 से 72 ममालिक के अंदर इस वक्त मौजूद है और हम दुनिया के अंदर एग्जीबिशंस करते हैं, हर जगह जाते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारी हर्बल क्रीम है, जो एक्टिव्स हैं वो हर्बल है, बेस ऑफकोर्स हर्बल नहीं है। तो हमें चंद लोगों ने ये ख्वाहिश जाहिर की जी अब हमें 100% जो है ना हर्बल चाहिए, मतलब बेस भी जो है वो हर्बल होना चाहिए। तो फिर काफी मुश्किल के बाद जो है वो एक काफी रिसर्च के बाद ये एक फॉर्मुलेशन मैंने खुद बनाया इसके अंदर। और इस जब ये फॉर्मुलेशन 100% नेचुरल था तो फिर मैंने सोचा कि इसकी पैकेजिंग भी जो है वो नेचुरल होनी चाहिए। इसका जो बेस है वो शिया बटर है, शिया बटर घाना, शिया बटर जो इसकी जो ओरिजिन है वो घाना है, घाना का शिया बटर है, हमने उसको डाला है। उसके साथ हमने बीज वैक्स जो शहद का जो है बीज वैक्स वो डाला है, और उसके साथ हमने सारे नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स उसके अंदर डाले। इस तरीके से जो है इस तरीके से जो है हमने वो नेचुरल क्रीम हमने बनाया है। तो चूंकि नेचुरल था, क्रीम भी नेचुरल है, उसके इंग्रेडिएंट्स भी नेचुरल है, तो फिर सोचा कि इसकी पैकेजिंग भी जो है नेचुरल होनी चाहिए। तो वो मटकी की शक्ल में हमने उसको बनाया और उसका आउटर जो है वो वुडन केस है, वो उसका आउटर है। हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, अल्लाह ने बड़ा करम है, उसका एहसान है, हमें बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स आए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वो जो पैकिंग जो है उसकी जो लकड़ी का आपने केस बनाया उसके ऊपर मटकी का वो जो एक मटकी टाइप की बाउल है या उसकी जो पैकिंग है वो जबरदस्त, मेरे घर पे जब वो मैंने मंगवाई थी तो मुझे कुछ दिनों तक तो इस्तेमाल करने का दिल नहीं चाह रहा था, उसको खोलने को दिल नहीं चाह रहा था, वो इतना हसीन इतना खूबसूरत। जिन लोगों ने ऑर्डर नहीं किया तो जरूर ये क्रीम मंगवाएं, बहुत जबरदस्त है।
हम बहुत सारे प्रोडक्ट है हिमानी के। ये वाली हाँ जी एग्जैक्टली, आप जरा गौर से दिखाएं फिर मैं बात करूंगी। ये वो मटकी है, ये इसका कैप और इसका कॉर्क है, मतलब हर चीज इसमें नेचुरल जरूर। है, ये कॉर्क, हाँ ये और ये इसके अंदर जो क्रीम है। और ये मैं यस आपको यस बता दूं, ये क्रीम चूंकि शिया बटर बेस है तो ये आपके जो उंगली की जो टिप है उसकी गर्माहट से ये मेल्ट होगी, मतलब आपको खाली ये राउंड करना है और इसकी गर्माहट से ये मेल्ट होगी, एंड देन यू कैन टेक द क्रीम एंड यू कैन अप्लाई। जबरदस्त जबरदस्त। ये चीज होती है कि जिस चीज का नाम लो वो चीज आपके सामने। देखिए ये होती है ईमानदारी, ये होती है मोहब्बत, और ये होता है खुलूस, कि ये चीजें होती है। और मैं इस तरह इसलिए इतनी कॉन्फिडेंस से बयान कर रही हूँ कि मैंने यूज की हुई है। आप मेरी स्किन देख रहे हैं, मेरे हाथ देख रहे हैं, मैं यूज करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। बल्कि मेरी सराउंडिंग में जितने लोग हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। तो जिन लोगों ने यूज नहीं किया वो बहुत कम लोग होंगे, वो ऑर्डर कर सकते हैं हिमानी प्रोडक्ट। आपको सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी वेबसाइट पे जाके, आप फेसबुक पे जाके आप डिटेल्स ले सकते हैं। उनके प्राइसेस तो बहुत ही कम है, हर लोग, हर किस्म के लोग, हर कैटेगरी के लोग। मैं ये कहूंगी कि क्योंकि आजकल कोविड चल रहा है, काम किसी के होते हैं किसी के नहीं होते, किसी के कम ज्यादा, तो आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। आपकी पहुंच में है, आपके बजट में है। हम बात कर रहे हैं बहुत हिमानी के, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत ही सारे प्रोडक्ट हैं कि मैं, मुझे नाम गिनवाने लगूँ तो मेरे पता नहीं 1 महीना गुजर जाएगा। माशाल्लाह से इतना काम किया हुआ है। एक मैं कह रही हूँ ना, एक बिल्डिंग है बहुत लंबी बिल्डिंग है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे घर और बहुत सारे लोग हैं, उतने प्रोडक्ट उससे भी ज्यादा है माशाल्लाह। तो मुस्तफा भाई मैं आपसे ये बोलूंगी कि ऑस्ट्रेलिया में गर्मियाँ आ रही हैं, आने वाली है, स्किन प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, झुलसा देने वाली स्किन हो जाती है, लोग बड़े परेशान होते हैं। मर्दों को बाहर जाना होता है जो भी शॉर्ट टाइम है, जो भी उनका टाइम होता है, तो वो बड़े परेशान है। तो स्किन से रिलेटेड कोई ऐसी क्रीम आप सजेस्ट करेंगे और ऑर्डर करने का कोई तरीका बता देंगे, क्योंकि घरों में लोग बैठे हुए हैं। मैं उसमें, क्योंकि हम ये प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया के लिए ही कर रहे हैं, बाकी पूरी दुनिया के लिए भी है लेकिन स्पेशली हम ऑस्ट्रेलिया के लिए कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए कुछ आप बताएं कि स्किन पे क्या यूज करें, क्योंकि गर्मियाँ जो है उरूज पर अब आने वाली है या फिर आ चुकी है। देखिए, सबसे पहले तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम स्किन पर अप्लाई करते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें इंटेक करना होता है। इंटेक के लिए इस वक्त जब गर्मी आ रही है, तो आप लोग कोशिश करें चिया सीड्स का इस्तेमाल करना। हनी वाटर, जो शख्स डायबिटिक नहीं है वो हनी वाटर ले, वार्म वाटर के अंदर हनी और उसके साथ 1 टीस्पून चिया सीड्स डाल दें। ये आपको पूरा दिन आपको तवानाई देगा, आपको ताकत देगा, आपकी स्किन को डल होने से बचाएगा। दिस इज नंबर वन। अब जो स्किन पे आपको अप्लाई करना है, हमारा गोल्ड सेरम सबसे बेस्ट है। इसके साथ ही साथ हमने मिड नाइट रिकवरी और डे सेरम भी हमने बनाया हुआ है। उसके जैसे मिड नाइट रिकवरी है उसके अंदर हमने रोजी ऑयल का इस्तेमाल किया है, जेरेनियम का इस्तेमाल किया है। जो डे है उसके अंदर हमने सेलेरी ऑयल का इस्तेमाल किया है, प्रिकली पियर का किया है जो आपकी स्किन को ग्लो करता है, क्योंकि डस्ट पोल्यूशन वगैरह इन सब चीजों से बचाता है। ये तो ये दो दो सेरम हमारे ऐसे हैं जो 100% नेचुरल है, इसके अंदर प्रिजर्वेटिव तक यूज नहीं हुआ है। प्रिजर्वेटिव भी हमने इसके अंदर यूज नहीं किया। इसके अंदर कोरिएंडर का ऑयल है जो एंटी बैक्टीरिया का काम करता है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमने, तो ये दो ऑयल हमारे इंतहाई अच्छे हैं। इसके साथ ही साथ अगर कोई चाहे तो अर्गान ऑयल का यूज करें, 2 ड्रॉप अर्गान ऑयल जो आप अपने चेहरे पे लगा लें वो आपकी स्किन को बेहतर कर देता है, तो वो आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी स्किन को ग्लो रखेगी। इसके साथ ही साथ मैं आपसे एक चीज और कहूंगा कि इस वक्त देखें पेंडेमिक का दौर है, हर मुल्क परेशान है कोरोना की वजह से। तो इन माय ओपिनियन ऑलवेज प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आज वक्त आ गया है कि आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें। कोरोना, इससे पहले कि कोरोना आपको अटैक करे और फिर जो मसाइल आते हैं उससे आप गुजरे, चूंकि आप जानते हैं कि मैं खुद अप्रैल में कोरोना का शिकार हुआ था। ना सिर्फ मैं बल्कि मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, हम लोग टोटल 17 लोग थे मेरे स्टाफ को मिलाकर। और उस वक्त ही मैं हर्बल टी भी, मैं क्योंकि मैं बना रहा था और पहला जो कप था जो हर्बल टी का वो मैंने ही पिया था और अल्लाह ने उसके बाद शिफा दी। मैं थोड़े दिन पहले एक रिसर्च पढ़ रहा था जर्मनी की, कि जर्मनी के जो हर्बलिस्ट है उन्होंने अपने तवील रिसर्च के बाद ये फैसला किया कि आर्टिमीसिया जो हर्ब्स है वो कोविड के अंदर इंतहाई मुफीद है। ये इन्होंने अभी पिछले महीने ये अपनी रिसर्च कंप्लीट की। मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से आपके व्यूअर्स के लिए बताते हुए मुझे बड़ी खुशी होगी। और हमने अभी तक हमारा जो इम्यूनिटी का जो है वो
फॉर्मुलेशन रिवील नहीं की है, मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा इम्यूनिटी इज बेस्ड ऑन आर्टिमिसिया जर्मन, जो आज कह रहे हैं वो हम फरवरी में कर चुके थे, मार्च में कर चुके थे। इम्यूनिटी इज बेस्ड ऑन आर्टिमिसिया, इसी वजह से हमारी चाय जो है वो कड़वी है। तो इस वक्त हमारे लोगों को ये 3 महीने इंतहाई जो है वो थोड़े से बड़े एहतियात पजीर है कि इसमें सबसे पहले तो आप इस 3 महीने में अपनी जिंदगी से ठंडी चीजों को निकाल दें। नो कोल्ड ड्रिंक, नो ठंडा पानी, जितना वार्म वाटर आप पी सकते हैं इतना वार्म वाटर पिए। अच्छा, फिर उसके अंदर वार्म वाटर में कभी एक बार एक चुटकी हल्दी की डाल दें, कभी लेमन को ऐड कर दें, अगर आप डायबिटिक नहीं है तो हनी को ऐड कर दें, हनी के साथ चिया सीड्स ले लें, 4 से 5 ग्रीन टी आप लें, 4 से 5 कप जो है आपको दिन में गर्म पानी पीना है, नंबर वन। नंबर टू, आपको स्टीम लेना है दिन में कम से कम एक बार। आप लोगों को स्टीम, देखिए कोरोना जो है नाक के जरिए अंदर जाता है और कुछ अरसा ये नाक के यहाँ रहता है, उसके बाद ये नीचे होता है। अगर हम डेली के में अगर आप अपने रूटीन कर लेंगे स्टीम लेना, तो ये यहीं किल हो जाएगा, मतलब उसने अटैक किया होगा और वो खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो स्टीम लेना बहुत, हमारा इम्यूनी टी के साथ भी एक ऑयल है, इसके साथ हमने अलग से भी इम्यूनी ऑयल जो लॉन्च कर दिया, मगर कोई शख्स अगर मुझ तक नहीं पहुंच सकता या उसको वो नहीं मिलता तो आप इक्लिप्टिस ऑयल हेमानी में भी अवेलेबल है, हर जगह इक्लिप्टिस अवेलेबल है। इक्लिप्टिस ऑयल के 3 से 4 कतरे जो है गर्म पानी में डाले, उसका स्टीम ले। हमारा इम्यूनी ऑयल 3 से 4 अलग अलग किस्म के ऑयल से मिलकर बना हुआ है, मगर आप इनिशियली सिर्फ इक्लिप्टिस ऑयल को ले लें, उसका आप स्टीम लें, तो वो आपको यहाँ पे इसको किल कर देगा। तीसरी चीज, आपके बिहेवियर को आपको पॉजिटिव रखना है, बहुत जरूरी है। जो लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, अजीब अजीब चीजें हो रही है, डिप्रेशन आपकी इम्यूनिटी को लो करेगा, डिप्रेशन लो करेगा, आपको ना आती हुई चीज भी आप पर आएगी, मुसल्लत होगी। तो उससे बेहतर है कि आप जो है पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। आप यकीन माने, मुझे जब कोविड हुआ था और मैं थोड़ा सा जब बेहतर हुआ था, मैंने अपने बच्चों के साथ क्रिकेट खेला है। मैं बच्चों से कहता हूं तुम बाहर गार्डन में आओ और हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज इस चीज में बहुत अच्छा है, नाक से आपने डीप ब्रेथ लेना है, 5 सेकंड 10 सेकंड रोक कर और फिर आपको मुंह से निकालना है। ये चीजें जो है आपको बहुत फायदा देगी। और मैं सबसे डिप्रेशन को दूर करने की जो सबसे अच्छी चीज जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई और हमारे कुरान के अंदर मौजूद है, वो है जिंदगी जीना, अच्छी जिंदगी जीना। अच्छी जिंदगी मतलब मर्सिडीज कार का होना, बड़े बंगले का होना, वो अच्छी जिंदगी नहीं है, वो आराम है, सुकून। आराम का ताल्लुक जिसके साथ है, सुकून का ताल्लुक रूह के साथ है। दे राह चलते को राह दिखा दे, कुछ दे, उसके बाद आप जिंदगी जिए तो आप जो है एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। बहुत प्यारी, बहुत अच्छी और खूबसूरत बात, माशाल्लाह। आप तो मुझे लगता है जब आप अपनी फैमिली में फ्रेंड्स में बैठते होंगे तो आप ये नहीं पूछते होंगे भाई आप कैसे हो, आप हर्ज की बातें करते होंगे, ये वाले हर्ज में ये है, इस वाले ऑयल में ये है, इस वाले माशाल्लाह आपको क्वालिटी है। आप यकीन माने, आपको तो इल्म है, जैसे मेरी पूरी फैमिली माशाल्लाह बिजनेस के अंदर है, मेरे बेटे भी हैं, ये सारी डिजाइनिंग जो है वो मेरी बेटी करती है, और मेरी वाइफ शी इज इन्वॉल्व 100% इन्वॉल्व इन बिजनेस, सारा जो कॉस्मेटिक का है वो वही संभालती है। और मैं जब कोई भी फॉर्मुलेशन बनाकर उसको देता हूँ तो वो एक सबसे बड़ी नकाद है, वो हमेशा मुझसे कहती है कि नहीं ये अच्छा नहीं है, आप इसको बेहतर करें, इसको ये करें वो करें, हमेशा वो जो है ना मेरी मेहनत को फौरन रिजेक्ट करती है। और हम दो मियां बीवी जब अलग से मिलते हैं कभी कभार, आप यकीन माने हमारी हर्ट्स पे ही डिस्कशन होती है। जी मैंने जज कर लिया। माशाल्लाह आपने मुझे बताया आप इतने अच्छे से हर्ट में हैं, और मैं जुहेर से मिल चुकी हूँ, मैं आपके बच्चों से मिल चुकी हूँ, मैं वाइफ से भी आपके मिल चुकी हूँ, माशाल्लाह हम एक इवेंट में वहाँ पे मिले हुए थे जब हिमानी की वो था, हम वहाँ पे गए थे ओपनिंग में, माशाल्लाह इतने अच्छे, इतने सिंपल, इतने डाउन टू अर्थ, तो आपको वक्त कैसे मिला इतनी अच्छी तरबियत करने का, आप तो बड़े बिजी रहते थे। नहीं, इसका तो सारा क्रेडिट ऑफकोर्स मेरी वाइफ को जाता है, मगर एक चीज मैं आपको बताऊंगा, मैंने अक्सर मेरी वाइफ से कहा कि तुमने अपने बच्चों की बड़ी अच्छी तरबियत माशाल्लाह की है, तो उसका कहना ये होता था कि मेन क्रेडिट आपको जाता है क्योंकि आपने आपके बच्चों के पेट में हलाल रोजी दी है। तो बोला जब पेट में हलाल रोजी जाएगी तो बच्चों की तरबियत लामहाला अच्छी होनी है।
मैं कसम खाकर कह सकता हूं कि नादानिस्ता तौर पे मुझसे गलती हो सकती है, मैं बशर हूं, मगर दानिस्ता तौर पे मैंने खुदा ना खासा कभी भी अपनी नीयत को खराब नहीं की कि खुदा ना खासा किसी को धोखा देना है या सब कुछ है। मैं यहाँ एक बात बताऊंगा कि हम जब बिजनेस की बात करते हैं, दीगर चीजों की बात करते हैं, हमारा इस्लाम अजीब है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप इनिशियली देखें तो वो उन्होंने भी तिजारत की, तिजारत से शुरू किया। आप सूरह जुमा की आखिरी आयत देखें, जब वो अल्लाह कहता है कि जब अजान हो आप काम बंद कर दे, वन तशरू फिर अर्ज पे कहता है कि जी आप जमीन में फैल जाओ, वल्लाह खैरुर राज़िकीन, अल्लाह सबसे बड़ा रिज़्क़ देने वाला है। तो वहां भी, और कुरान की जो सबसे बड़ी आयत है वो तिजारत के ऊपर है, लेन देन के ऊपर है। तिजारत को अल्लाह ने पसंद किया है। आप जो अल्लाह इस्लाम के दिए हुए उसूल अगर आप उसको अमल करें, फिर अल्लाह पर छोड़ दें, इम्तिहान तो होगा। अल्लाह ने अंबिया का इम्तिहान लिया, आयमा अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया है, तो हम क्या चीजें उसका शुक्र अदा करें? अगर हम किसी इम्तिहान में आ जाए तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको चुना, कि उसने आपको चुना कि आपको इम्तिहान के लायक समझा, ये उसका शुक्र है। तो और अगर ये सजा भी है तो भी अल्लाह का शुक्र है कि वो इस जिंदगी में आपको सजा दे रहा है, ना कि आखिरत की सजा जब आप बिल्कुल अकेले होंगे, कोई आपका साथ नहीं होगा, न्याज आपकी फैमिली है। तो अल्लाह की मंतक बहुत अजीम है। और अल्लाह ने, मैं एक चीज और बताऊंगा, मैं अक्सर जैसा आपने कहा मैं फजर की नमाज के बाद नहीं सोता हूँ, मेरा फजर की नमाज, मेरा मेन रिसर्च फजर की नमाज के बाद ही होता है। नमाज पढ़ के कोई भी वॉकिंग वगैरह करके फिर मैं रिसर्च के लिए बैठता हूँ। एक अजीब खुदा की कुदरत है। देखिए कुरान के अंदर तस्करा है लूलू व मरजान, मतलब मोती और क्या, कभी जन्नत में जो नहरें होंगी वहां लूलू और मरजान होंगे, मतलब मोती और मरजान होंगे। मरजान में भी तासीर है, उसके अंदर भी बहुत सारे इस्तेफादात हैं। मैं आपको बताऊं कि जो रेड सी है, जो मिस्र और जद्दा को जो लगता है, वहां पे मरजान दो किस्म की, एक जड़ होती है एक उसकी शाखें होती है। तो जो रेड सी है उसकी जड़ लाल है, शाखें सफेद है, और फिर आप आगे आके लेफ्ट टर्न करें तो मेडिटेरियन सी आ जाता है। मेडिटेरियन सी की जो जड़ है वो सफेद है, उसकी शाखें लाल है। जो जो इटली के अंदर जो टोरिडल ग्रेको का जो एरिया है, जो मेन कॉरल का जो काम करता है, उसकी शाखें लाल है, जड़ सफेद है। रेड सी पे आए तो शाखें सफेद है और जड़ लाल है, और जो लाल है उसी के अंदर मेडिसिनल सारे जो है ना वो फवायद है, सफेद के अंदर कोई फवायद नहीं है, और लाल सारे फवायद लाल के अंदर है। इसी तरह अगर आप देखें अंबर, अंबर इंतहा खुदा ना खासा किसी को पैरालाइज वगैरह हो जाए, और तमाम परफ्यूमरी फैक्ट्री के अंदर जो हमारे सेटलर्स हैं वो अंबर होता है। अंबर क्या है? एक फिश की वॉमिट है, एक फिश के मुंह से निकलता है। फिर आप आ जाए जो इस वक्त सबसे महंगी हर्ब्स है, जिसको हम नाफा कहते हैं, जो हमारे उर्दू के अंदर वो एक मिसाल है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। तो जो मुश्क है वो हिरन की नाफ है, एक किस्म जो नेपाल वगैरह में जो हिरन है, कश्मीर वगैरह में उसकी नाफ है। आज वो 2.25 लाख रुपए तोला है, सोने से ज्यादा महंगा है, 2.25 लाख रुपए तोला है। वो दवाइयों में यूज होता है, वो इंतहाई गर्म है। तो ये खुदा की कुदरत है, खुदा ने क्या किया? मतलब मैं जब सोचता हूँ मेरा दिमाग काम नहीं करता है, और फिर वो कहता हूँ सुभान अल्लाह, मतलब क्या अल्लाह की जात है, उसने क्या क्या चीज पैदा की है। हम तो जितना शुक्र अदा करें खुदा का इतना कम है कि उसने हमें अकल दी, हमें सोच दिया, हम एक बशर है, और हमें नेक तौफीक दे, और हमें, हम कोशिश करें कि हमें खिदमत का मौका दे। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत बात। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं आपसे क्लासेस लूं, लेकिन आप पाकिस्तान में कम रहते हैं, तो मेरा बहुत पहले से मैंने आपको ये डिस्कस भी की थी, मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं आपसे क्लासेस लूं, मुझे बहुत नॉलेज मिलती है, क्योंकि हर्ब से मुझे भी बहुत प्यार है। अब तो मैं एजुकेशन भी ले रही हूँ, मेरा लास्ट ईयर, लेकिन मेरा प्यार बहुत ज्यादा है। मैं भी चाहती हूँ, इतना तो नहीं कर सकती, अल्लाह करवा दे, लेकिन मेरा सोच है कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करना है, या शायद कोई क्लिनिक खोल लूँ कि लोगों को कि अच्छी हर्ब के बारे में बता सकूँ, कोई फायदे की चीज बता सकूँ इंशाल्लाह इन फ्यूचर। अच्छा, मेरा आपसे ये दिल का, मेरा अपने दिल का सवाल है, क्योंकि मैं इतने सालों से काम में हूँ, मैं मीडिया में भी हूँ, दूसरे काम भी बहुत सारे मैं शूट भी करती रहती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के साथ, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के साथ, बहुत सारी कंपनीज है। मैंने मुस्तफ़ा भाई, मेरे दिल की बात है ये, मैंने देखा है कि जिनको अल्लाह ताला बहुत उरूज दे देता है, बहुत बिजनेस चमकने लगता है, तो उनका हम ये कह सकते हैं दिमाग ठिकाने पे नहीं होता, या इंसान को वो इंसान नहीं समझते, वो समझते हमारे लेवल का जो आदमी है, बंदा है, वही बात करने के लायक है, दूसरे नहीं है।
लेकिन मैं बिल्कुल सच्चे दिल के साथ, बिल्कुल दिल की गहराइयों के साथ और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, मैंने हिमानी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, हिमानी हर्बल, हिमानी प्रोडक्ट, हिमानी स्किन केयर, इवन ये कि अब तो हिमानी फूड भी माशाल्लाह से यूएस मार्केट के लिए आ गए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से जी। किसी भी बंदे को मैंने दिमाग आसमान पे नहीं देखा, वो हर किसी से उसी तरह बात करते हैं जैसे वो अपने घर में बात करते हैं, जैसे वो अपने लेवल के लोग बात करते हैं। ये तरबियत, ये तालीम क्या आपने सिखाई है या उनके अंदर खुद है? हिमानी से जुड़ा हुआ हर बंदा, मैं आपके ऑफिस तक गई हूँ, उन बंदों से भी, लड़कियों से, लड़कों से, मैं सबकी बात करूंगी, जहर तो माशाल्लाह आपके बेटे, आपकी तरबियत, आपकी वाइफ की तरबियत, लेकिन वो जो लोग हैं उनका जो एटीट्यूड है वो दिल में उतरने वाला है। तो ये कौन सी तरबियत है या गॉड गिफ्टेड है या आपकी कोई तालीम है कि ऐसे ही करना है, क्या चीजें हैं उनके साथ? नहीं, देखें, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि तकब्बुर सिर्फ अल्लाह की जात के लिए है, हमारे लिए कोई तकब्बुर मुमकिन ही नहीं है। खुदा तकब्बुर और गुरूर से बचे, और अल्लाह को जो सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज है वो तकब्बुर है। मेरे हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि शायद वो शिर्क के लेवल पर आ जाए, खुदा ना खास्ता। नंबर दो, जब आप अपने स्टाफ को एज ए फैमिली लेकर चलेंगे तो बाखुदा उनके अंदर से जो है बहुत अच्छी अच्छी चीजें आएंगी। हमने सबसे पहला काम ये किया कि हमारे यहाँ दस्तरखान लगता है, चाहे वो मेरा दुबई का दफ्तर हो, चाहे मेरी फैक्ट्री हो, चाहे मेरा कराची का दफ्तर हो, हम नीचे बैठकर खाते हैं और जो मैं खाऊंगा वही मेरा स्टाफ खाएगा, मतलब इला प्यून तक वही खाएगा। जिस जमाने में मेरा कराची का सिटी दफ्तर नहीं था, उस जमाने में मैं फैक्ट्री पे बैठता था, तो हमारा कानून ये था कि जो फैक्ट्री का चौकीदार खाना खाएगा वही हमारी बच्चियां जो काम करती हैं वो खाना खाएगी, वो खाना मेरे दफ्तर तक आएगा, मैं भी वही खाना खाऊंगा, ताकि उसके अंदर कोई कमी बेशी नहीं होनी चाहिए, कोई फर्क नहीं होना चाहिए। तो ये वो चीज है, इसमें अपनाइयत होती है। अच्छा, जब हमारे यहाँ जो है दफ्तर में दस्तरखान लगता है, चाहे वो कराची की फैक्ट्री हो, कराची का दफ्तर हो, चाहे दुबई का दफ्तर हो, हम तकरीबन 40-45 मिनट हम लंच करते हैं, उसमें ये कि हम सारे हालात भी उनसे पूछते हैं, कभी कंपटीटर हजरात क्या कर रहे हैं, इस वक्त मार्केट क्या है, हमारे माल की क्या शिकायत है, लोगों को क्या प्रॉब्लम है, उस तरीके से एक बहुत अच्छा इंट्रैक्शन आपस के अंदर रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब ये इस हकीकत को जानते हैं कि एक दिन हमने मरना है और 3.5 गज की जो है वो जगह हमने मिलनी है, और उससे बड़ी जगह नहीं। हाँ, अब इस जिंदगी में रह के उसको कुशादा कैसे करना है वो हमारा काम है, वो उसकी हम जो है तकदो में लगे रहते हैं कि हम उसको किस तरह से कुशादा कर सकते हैं। बाकी मैं आपको एक और चीज भी बताना चाहूंगा हर्बल के हवाले से ही, हमने बहुत सारी वेलनेस टी बनाई है जिसमें कंट्रोलिंग कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, स्लीप, जो आजकल प्रॉब्लम है लोगों को, नींद नहीं आती, और लोग जो वो ये डायजापाम वगैरह और खतरनाक मेडिसिन खाते हैं जिनके बड़े साइड इफेक्ट्स हैं, तो हमारी एक चाय है उसका नाम है स्लीप वेल, वो आपको बड़ी अच्छी नींद देगी। उसके अंदर मैंने वेलेरियन रूट का इस्तेमाल किया है, वेलेरियन रूट जो है बहुत पुरसुकून, वेलेरियन और सरपेंटाइन जो है वो मैंने उन रूट्स का इस्तेमाल किया है उसके अंदर, जो आपको एक अच्छी सी नींद देता है। तो इस ये वेलनेस टी भी हमारी माशाल्लाह तकरीबन को 12-15 वेलनेस टी हमारी है अलग अलग चीजों के लिए, तो वो हमारी बहुत अच्छी है। इसके अलावा आपको पता होगा कि हमारे हर्बल ऑयल्स बहुत, जिसमें सबसे ज्यादा कलौंजी है, कलौंजी की बे 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 इंतहा अहादीस है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बहुत हदीस है कि मौत के अलावा हर चीज का इलाज इसके अंदर कलौंजी के अंदर है, तो कलौंजी में हमने बहुत काम किया हुआ है। हम सीड्स हम खुद मंगाते हैं, उसको क्लीन करके, फ्यूमिगेट करके, उसको एक्सपल, फिर उसको फिल्टर, फिर उसको, मतलब अंडर एवरीथिंग इज अंडर वन रूफ। तो कलौंजी में अलहमदुल्ला महारत है, सिर्फ कलौंजी नहीं, इसके अलावा हमारे पास कलौंजी की बहुत सारी प्रोडक्ट भी, जिसके अंदर कलौंजी की चाय है, हमारे पास कलौंजी का मसल रिलैक्सेंट है जी, कलौंजी जो एक्ने वगैरह को आपको खत्म करता है, फिर जो मसल रिलैक्स, जो फ्रोजन जो शोल्डर्स वगैरह हो जाते हैं उसके लिए हमारा कलौंजी का क्रीम बहुत अच्छा है। तो कलौंजी में हमने बहुत सारा काम किया है इसके अंदर। तो अगर आप जाएंगे तो इस वक्त हमारा पोर्टफोलियो जो है मोर देन 1500 प्रोडक्ट्स हमारी है, जो सब अंडर वन रूफ मैन्युफैक्चर होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अमेरिका के अंदर और यूके के अंदर हमारी फूड स्टफ की बहुत बड़ी रेंज है, जिसके अंदर गार्लिक पेस्ट, राइस, आटा से लेके तमाम ये बेसिल ड्रिंक्स वगैरह जो है, तमाम ये अज्जा जो है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की मार्केट के अंदर ये तमाम चीजें अवेलेबल है। हर जगह हमारी यही अव्वलीन तरजीह होती है कि
क्वालिटी में कंप्रोमाइज ना हो, कुछ भी हो जाए क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। और जो हमारा हक हलाल का जो प्रॉफिट है वो ऐड कर कर, और कभी हमने मार्केट का बेनिफिट उठाना नहीं चाहा कि आज मार्केट में ये शॉर्ट है तो अब इसको दाम बढ़ा दो, नहीं वो नहीं चाहा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको आपके कस्टमर्स का जो है आपको उसका एतमाद हासिल करना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि अब तक हम इसमें कामयाब हुए हैं। माशाल्लाह बहुत, और बहुत अच्छे सारे प्रोडक्ट, आप ब्यूटी हेल्थ के प्रोडक्ट से कोई भी प्रोडक्ट उठा लें वो बहुत अच्छे जबरदस्त प्रोडक्ट हैं, आपको रिजल्ट देते हैं। इस तरह से फूड प्रोडक्ट भी बहुत ही अच्छे हैं, मैंने खुद यूज किए हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन, और इंशाल्लाह ये जल्दी तमाम, पूरी मेरी तो ख्वाहिश है पूरी दुनिया में ही होने चाहिए। जब हिमानी हर्ब में इतना काम किया, ब्यूटी में इतना काम किया, आपकी हेल्थ के लिए इतना काम किया, तो किचन के लिए भी बहुत सारा काम करना बहुत जरूरी है। हम भी चाहते हैं कि हम जो मसाले यूज करें, जो हम स्पाइस हमारी यूज करें, जो हम अपने सॉस यूज करें, वो भी हमें ऑर्गेनिक मिले, ऑर्गेनिक चीजों से बने हुए मिले, तो सभी लोग चाहते हैं। और अपनी हेल्थ का भी आपने ख्याल रखा है, तो हम भी अपनी हेल्थ का ख्याल रखा है, तो अपने किचन को सजाना चाहते हैं हिमानी फूड के थ्रू, तो ये भी जल्दी इंशाल्लाह ये कुछ इंशाल्लाह। और मुझे आपसे बहुत मजा आया, मेरे प्रोग्राम का वक्त जो छोटा था लेकिन मैंने लंबा किया, क्योंकि हमें आपकी बातें इतनी अच्छी लग रही थी, इतना मजा आ रहा था, और भी बड़ा दिल चाहता है। ये मेरी आपके साथ फर्स्ट सिटिंग नहीं, अब भी हम इंशाल्लाह, आप, मैं आपसे प्रॉमिस लेती हूँ, जब भी आप फ्री हो तो आप हमें दोबारा से हमें आप ज्वाइन करेंगे दोबारा से, और जो चीजें रह गई हैं, बहुत कुछ रह गया है उसके बारे में भी नॉलेज देंगे। और मुझे आपके साथ बात करके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। लास्ट जो आपका एक मैसेज है ऑस्ट्रेलिया के लिए, स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए कर रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग तो देख ही रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज, क्योंकि बड़ी एक सिचुएशन चल रही है, आप भी जानते हैं, आप भी सिचुएशन से गुजर चुके हैं, हिम्मत हौसला और अपने प्रोडक्ट के हवाले से, हिमानी प्रोडक्ट के हवाले से मैसेज दे दीजिए। बस इस वक्त कोविड के इन हालात में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारी इम्यूनिटी जरूर यूज करें, आप कोविड होने का इंतजार ना करें, ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाएगा। जैसा मैंने आपको बताया कि इसको हमने इस तरीके से आर्टिमिसिया तो इसका मेन है, इसके अलावा इसके अंदर हमने वो हर्ब डाली जो एंटीवायरल है, जो रिस्पायरेटरी सिस्टम को आपको प्रिपेयर करती है, उसको मजबूत करती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है। इस वक्त जो है वो इम्यूनिटी का बढ़ना बहुत जरूरी है, तो वो आप यूज करें, स्टीम रेगुलर के हवाले से आप लें, और इंशाल्लाह बिल्कुल भी पॉजिटिव, ये ऐसा मर्ज नहीं है, खुदा ना खास्ता ऐसा मर्ज नहीं, कुछ इस तरीके से इस बात को फैलिए कि कोई पॉजिटिव होता है तो वो ऐसा लगता है कि शायद मैं जिंदगी हार गया हूँ, ऐसा नहीं है। आप इसको एक नॉर्मल जैसा फ्लू है इस टाइप से इसको ले, हाँ यू हैव टू नो हाउ टू मैनेज, आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि इसको किस तरीके से आपको मैनेज करना है। अगर आप इसको करेंगे तो ये आपको हर्ट नहीं करेगा, आपको ये नुकसान नहीं देगा, अपनी जिंदगी आपको जो है अपने लाइफस्टाइल को आप चेंज करें, अच्छा खाना खाएं, ठंडी चीज छोड़ दें, प्रॉपर सैलेड, प्रॉपर फ्रूट, ये डाइट को अगर आप ख्याल रखेंगे, प्रॉपर वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें, आप बिलीव करें ये आपको कुछ असर नहीं करेगी। मैं खुद इस चीज से गुजरा हूँ, मेरी फैमिली इस चीज से गुजरी है, और मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर ये कहूंगा कि आप बिल्कुल ना घबराएं, इसमें कोई प्रॉब्लम कोई टेंशन की बात नहीं है, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें, इंशाल्लाह यू विल बी 100% फाइन। बस नियत ये करें कि जो वापस रिपीट करूंगा कि अच्छी जिंदगी जिएं, अच्छी जिंदगी का मतलब मर्सिडीज गाड़ी में घूमना नहीं है, किसी को कुछ दें, अच्छा मशवरा दें, अच्छी राय दें, जो भी हो सके वो देकर जिए, तो आपको जीने का बहुत मजा आएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी, बहुत मीठी बात, हर बात में एक एक आपके लिए नसीहत और एक सबक, माशाल्लाह आपकी हर बात में नॉलेज, मुझे तो आप बहुत ही पसंद है हिमानी हर्बल की, तमाम चीजें बहुत पसंद है, आपकी बातें मुझे बहुत पसंद है, आपकी फैमिली मुझे बहुत पसंद है, मैं बिल्कुल दिल की गहराइयों से ये बात कहती हूँ। ऐसा लगता है कि मैंने जब भी मुस्तफा भाई से बात की और जुहेर से बात की, मुझे लगता है कि मेरे अपने घर के भाई हैं, मेरे अपने घर के लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है। आप भी जब मिलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, और उनकी बातों में, इनकी सच्चाई में जो चीजें हैं वो हिमानी हर्बल में नजर आती हैं। तो हिमानी के प्रोडक्ट आप जरूर यूज करें, और आप करते भी होंगे, मेरे कहने की जरूरत भी नहीं है। आज का प्रोग्राम मुझ समेत आप सबको बहुत पसंद आया होगा, बहुत सच्ची खरी और दिल की बातें आपको सुनने के लिए एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के मुंह से, जो कि आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, इतनी अच्छी बातें हैं, इतनी सारी चीजें वो दिखा रहे हैं आपको कि हम ये यूज करते हैं, हम ये यूज करते हैं, इससे हिमानी प्रोडक्ट में इससे सच्चाई से कहीं आपको मिल ही नहीं सकती है, सच्चाई से भरा हुआ, माशाल्लाह खुलूस से भरा हुआ। बहुत शुक्रिया, दिल की गहराइयों से शुक्रिया,
ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, पीडब्ल्यू डिजिटल की टीम की तरफ से आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे दोबारा सीटिंग होगी और आप तमाम लोगों का शुक्रिया। आप हमारे प्रोग्राम को पसंद करते हैं और अपना आप ख्याल रखिएगा, दुआ में याद कीजिएगा, पूरी दुनिया के लिए आप दुआएं करें। आप हमारी दुआएं, हमारा प्यार मोहब्बत आप सबके लिए है। मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मैं मिलूंगी दूसरे प्रोग्राम में गेस्ट के साथ। तो क्लासेस Think High Consultants. We are registered education and migration consultants, offer following services: student visas, admissions, change of course of provider, skilled migration visas, temporary activity visas, employer sponsored visas, partner visas, parent visas, health cover for all types of visas, visitor tourist visas, business visas, NATI CCL preparation classes, professional year programs, IELTS and PT classes, coaching programs for new education and migration agents, and many more. Contact Think Higher Consultants, provide personalized and on-spot services, leads to permanent visa pathways and Australian citizenship. Facebook/Think Higher Consultants. Twitter/Think Higher House. Instagram/Think Higher Consultants.